एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाक्षीज टाइनी वर्ल्ड। आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो पे देखा है जो जया बच्चन जी ने कुछ रेमेडीज बताया था स्किन केयर रिलेटेड, तो आज हम लोग वो रेमेडीज ट्राई करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाली हूँ एक्चुअली में वो वर्क करता है कि नहीं करता है। ट्राई करके देखते हैं क्योंकि जया बच्चन जी भी जब यंग एज में थे, जब उनका टाइम था, उनका मूवीज़ का टाइम था, वो एक्चुअली में बहुत गुड लुकिंग थे। उनके बाल, उनकी आईज, एवरीथिंग, की स्किन एंड ऑल। तो चलिए ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि वो होम रेमेडीज एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई मेरी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मेरी चैनल पे ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा और जेन्यून और ऑनेस्ट वाला रिव्यू भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी साइड हो गई हूँ और ये वाली पोर्शन पे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं वो वीडियो क्लिप्स आपको ऐड करके दिखा रही हूँ, आप लोग पहले देख लीजिएगा कि जया बच्चन ने एक्चुअली कौन से स्किन केयर के बारे में बात की थी। तो चलिए सुनते हैं। टू मलाई एंड हल्दी मिक्स इट एंड लिटिल बिट ऑफ आटा एंड देन रगड़ो एंड रगड़ो। व्हाट डज दैट डू? क्लीन सी कटोरी में आटा लिया और उसमें जो मलाई होता है, मलाई और थोड़ी सी हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया। देन उसके बाद मैं अपनी क्लीन वाली फेस पे इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ, एक थिक लेयर। देन अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम वेट करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि जया बच्चन जी ने बोला था कि इसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करना चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम वेट करूँगी, देन उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करके लाके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। देखिए ऑलरेडी मैं थोड़ा सा टाइम रुक चुकी हूँ, मतलब 15-20 मिनट्स मैंने ऑलरेडी मैंने वेट किया है। अभी इसको मैं बहुत अच्छे से ऐसे स्क्रब रगड़ रगड़ के मैं फेस वॉश करके आके देन मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के फेस वॉश करके आई हूँ और इसका रिज़ल्ट मैं अगर आपको बोलूँ तो ये मॉइस्चराइज तो डेफिनेटली ये करता है, थोड़ा सा क्लीन वाला इफ़ेक्ट भी मुझे फ़ील हो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। शायद मैंने मलाई ज़्यादा अप्लाई कर लिया या मलाई ज़्यादा उसमें मिक्स कर लिया, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा मुझे ऑयली वाला फील हो रहा है। मतलब मेरा तो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो मेरी स्किन के लिए ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे ऑयली वाला फील हो रहा है। अदरवाइज ये बहुत साफ वाला, मतलब क्लीन वाला तो फील हो रहा है फेस, और मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा कर रहा है ये फेस पैक। तो चलिए ये फेस पैक का, ये जया बच्चन जी का ये जो रेमेडीज है, होम रेमेडीज, इसका एक कंक्लूज़न निकालते हैं। अगर देखा जाए तो ये अच्छा है, इसको आप यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करते हैं, क्लीन भी हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी है मलाई, आटा और हल्दी, ये सभी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। बट अगर मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा ऑयली वाला फील हो रहा था उस टाइम पे भी, क्योंकि मेरा स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर आप लोग ऑयली स्किन वाले हो तो ऑयली स्किन के लिए आई थिंक मलाई से ज़्यादा आप दूध यूज़ कर सकते हो, रॉ मिल्क काइंड ऑफ, क्योंकि मलाई ले लोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली वाला होगा। अदरवाइज़ ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो, नॉट वाओ वाला ऐसा प्रोडक्ट, बट ठीक है आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार। बट मुझे थोड़ा सा ऑयली वाला लगा, बट ट्राई करके एक बार देख सकते हो। तो ड्राई स्किन वाले आप लोग तो डेफिनेटली ट्राई कर ही सकते हो, बट ऑयली स्किन वाले जब भी ट्राई करोगे उसमें मलाई का जो क्वांटिटी है उसको कम रखिएगा, अदरवाइज आपको बहुत चिपचिपा वाला फील होगा। तो यही था मेरा ओपिनियन, मैंने ट्राई करके देखा, बहुत वाओ वाला प्रोडक्ट नहीं है बट ख़राब भी नहीं है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड स्प्रेड लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बाय, लव यू ऑल।